बाद सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए। आज हम बात करने वाले ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हमारी नेचुरल हेल्थ जो होती है, जैसा कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर किस तरीके से काम करता है या फिर उस डॉक्टर को काम करने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद आर न्यू प्रोडक्ट दैट इज यूआर स्मार्ट पावर प्रीमियम। मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो जाए तो अजय शर्मा सर जस्ट मुझे थम्स अप बता दीजिएगा। कंफर्म सर। हाँ या जी सर, आई होप मेरी आपका स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर हो हो रहा रहा है। है। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं फिर से एक बार सभी लोगों का वेलकम करता हूँ इस प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर, जिसका नाम है बारिश मोर पावर प्लस यानी प्रीमियम। सही मायने में ये एक प्रोडक्ट प्रीमियम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे हमारी जो मनीषा थी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और लगभग बहुत लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज भी किया है। तो आशा यही करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रीमियम को यूज करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा वो काफी मिराकुलस रहा होगा, बिकॉज हिबार इज मोर पावर को हम बहुत दिनों से यूज करते आए हैं, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही। तो ये प्रीमियम सेगमेंट लाने की क्या जरूरत सही मायने में हमें थी, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम हमेशा एक मॉडिफिकेशन चाहते हैं हमारे जिंदगी के अंदर, हमारे सोच के अंदर, और उसे अगर हम थोड़ा सा कंटेंट की बात करें तो वो है पॉजिटिविटी, करेक्ट। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, जहां तक नॉलेज का सवाल है, स्किल का सवाल है, या फिर आपकी रीडिंग का सवाल है, आप हमेशा ही अपग्रेडेशन मॉडल में जाना चाहते हो। तो वही हमारी मंशा थी कि क्या इस प्रोडक्ट को लेकर हम और प्रीमियम तरीके से आ पाएंगे, जो और स्टेबिलिटी हमें दे और बेहतरीन तरीके के हमें रिजल्ट दे, और जिस तरीके से हर सेक्टर के अंदर उत्क्रांति हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है, और सही मायने में अगर कहा जाए तो वो एक मिरेकुलस इवोल्यूशन। तो यही साइंस का बेनिफिट हमने लिया है इस प्रीमियम को यूज करते हुए। ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ हमारा एजुकेशन, हमारे स्किल्स, बट फॉरेन का कुछ पोर्शन हमने इसके अंदर यूज किया है, उसे हमने परचेस किया है, और उसको यूज करते हुए ये प्रीमियम सेगमेंट हमने आप सभी के सामने लेकर आया। तो इस प्रोडक्ट को जिस तरीके से हमने बनाया वो बहुत खास है, बिकॉज लगभग 1.5-2 साल से हमारे इस मोर पावर आप सभी लोगों के सामने है। आप सभी लोगों ने उसे बहुत अच्छी तरीके से सहारा है और प्यार भी दिया है, तो उसी आधार को, उसी एक्सपीरियंस को यूज करते हुए इस प्रीमियम सेगमेंट को हमने लॉन्च किया है। चलिए इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। एक्चुअली हेल्थ एक ऐसा सेगमेंट है जो आज की डेट में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और मैं सही मायनों में ये जो हेल्थ सेक्टर को जो ग्रोथ मिल रही है, इसका सही जो रीजन है, बेस जो रीजन है, वो है पैंडमिक एरा, जहां पे कोविड सिचुएशंस थी, वहां पे बहुत लोगों ने एलोपैथिक को यूज किया इनिशियल ड्यूरेशन के अंदर, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी लीडिंग इंडस्ट्री। और आमतौर पर अगर देखा जाए कि बुखार अगर आती है तो पैरासीटामोल हम तुरंत लेते हैं, हर घर में ऑलमोस्ट 99% घरों के अंदर वो दवाइयां पाई जाती हैं जो बहुत कॉमनली है। बट क्या हमें पता है कि वो दवाई लगभग 7 से 8 कंट्रीज के अंदर बैंड है, कंप्लीटली बैंड, बिकॉज कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सेवियर उसके साइड इफेक्ट करती है। जैसा हमने एक सेशन लिया था, मैं बहुत बार उस सेशन को दोहराता हूँ, जहां पे हमने लीवर रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि लीवर का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से अपनी फंक्शनिंग को वो परफॉर्म करते रहता है, और उस फंक्शनिंग को अच्छी तरीके से प्ले करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर बखूबी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज अगर आपके बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट करती है तो उसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी, तो वो एक सेक्टर है। बट अब तक हमने जो मेडिसिन यूज की थी वो सिम्टोमेटिक तरीके से थी, हमें जो सिम्टम दिखाई दिया है उसको कम करने के लिए हम एलोपैथिक इंडस्ट्री का सहारा लेते हैं, और हमेशा ही मैं एलोपैथिक इंडस्ट्री को एक 11th आवर इंडस्ट्री के तौर पे जानता हूं और मानता भी हूं, बिकॉज हमने बहुत सारे मेडिसिन बनाई भी हैं लैब के अंदर, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हमने बनाई है,
बट अगर हेल्थ की अगर हम बात करें ना, तो आज की डेट में ऑलमोस्ट सभी तरीके के फूड न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंडीशन में पाए जाते हैं। अभी जो सीजन है अंगूर और अभी आम का भी सीजन आया है, तो हम इतना कॉन्फिडेंटली ये नहीं बता पाएंगे कि जैसे पहले कहते थे कि हर सीजन में हर फ्रूट खाना चाहिए। तो क्या आज की डेट में उस फ्रूट के अंदर वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है जो हमें अच्छी तरीके से नरिश कर पाए अंदर से? बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्रीज की अगर बात करें तो वहां के लोग न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उनके टेस्ट के ऊपर। तो वो जो एरा था, वो एरा पूरी दुनिया में अब आने लगा है, और मुझे बेहद खुशी होती है ये बताते हुए कि आज का जो न्यूट्रास्यूटिकल एरा है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा की देन। और हमारा जो प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट हमारे पास है, हिबारिस मोर पावर, हिबारिस मोर पावर प्रीमियम और पैन एक्टिव, हिबारिस पैन एक्टिव। तो ये तीनों भी प्रोडक्ट आयुर्वेदा की ही देन है। तो सही मायने में हमारी हेल्थ क्यों खराब हुई, तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हमने यहाँ पे बताए हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड हो सकता है। और आज की डेट में 85% से भी ज्यादा बीमारियां लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ही है। फैमिली हिस्ट्री बहुत रेयर केसेस में हमें देखने मिलती है, फैमिली हिस्ट्रीज। बाकी जो चीजें आप यहाँ बता रहे हो, देख रहे हो, इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, सिवाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। लाइफस्टाइल को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल भरा है। हमें अच्छी हवा चाहिए, हमें मेडिटेशन की जरूरत है, हमें एक्सरसाइज की जरूरत है, और बॉडी को हील करने के लिए अच्छे फूड की जरूरत है। और आज की डेट में हर वक्त इतना इंटीग्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लाइफस्टाइल को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज फैमिली हिस्ट्री, दैट इज डीएनए ओरिएंटेड। हमारे डीएनए के अंदर ही अगर उस तरीके के चेंजेस हैं, तो क्या उसे हम सही कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बाकी जो चीजें हैं ना, एनवायरनमेंट को भी छोड़ के, तो उसे हम कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी को कंट्रोल करने के लिए ये आप सभी के सामने प्रोडक्ट है जिसका नाम इवारेज मोर पावर प्रीमियम। तो रेस्ट, हाइजीन, रिलेशनशिप्स, हेल्थ केयर, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, इन सब के अंदर काम करेगा क्या? एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बताएं, बहुत सारे एथलेटिक पर्सन अगर हो या फिर जिमनास्टिक हो जो जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं, उन सभी लोगों को टेस्टोस्टेरोन का एलिवेशन होना इम्पोर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेक्सुअल अपीफमेंट के ऊपर काम करता है, बट वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और जितना ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होगा, उतना अच्छा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी होगा। बहुत लोगों का यह सवाल आता है, जब मेडिसिनल या फिर मेडिकल रिलेटेड कोई पर्सन के अगर साथ में बात करता हूं, तो उनका यह कहना होता है कि मैं जैसे बोलता हूँ कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी बनेगी, तो उनका कहना यह होता है कि क्या सही मायने में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है? तो लॉजिक है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन को पकड़ने के लिए फेरस होते हैं, और ये सब मिला के ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे बॉडी के अंदर। सही है, और इसीलिए कहा जाता है, जैसा देखिए हीमोग्लोबिन है या फिर फेरस है, और उसके साथ में ऑक्सीजन अगर आ जाएगा तो रस्टिंग होता है, और उस रस्ट को निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लगते हैं हमें, तो वो पार्ट अलग है। बट हमारे ब्लड के अंदर ये सब चीजें हैं, और जब वो सर्कुलेशन सही मायने में होने लगा, तभी तो ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर सही मायने में सर्कुलेट होगा। तो हिबारेज मोर पावर प्रीमियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप पहले दिन यूज करोगे तो वेरी सेकेंड डे आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आपके बॉडी के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन सही मायने में ठीक चल रहा। तो ये पता कैसे चलेगा कि आप वॉकिंग कर रहे हैं, थकान कम आ रही है, या फिर वॉकिंग की आपकी स्पीड पहले से थोड़ी सी अच्छी बनी है? ये मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम। तो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली द प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क ऑन योर हार्मोन्स एज वेल। जो हार्मोन्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करने लगते हैं ना, और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो ब्रेन के अंदर जो भी हार्मोन, जो चार हार्मोन है, तो उन चार हार्मोन को भी रेगुलेट करने का प्रोडक्ट काम करता है। तो देखेंगे किस प्रकार ये अलग अलग तरीकों के ऊपर काम करेगा। जो न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस है, उसे किसी भी तरीके से हम अलग निकाल नहीं सकते। न्यूट्रिशन का जो इंपॉर्टेंस है वो एज इट इज है, जितना पहले था उतना आज, बल्कि मैं यही कहूंगा आज की डेट में तो और ज्यादा है। बिकॉज अगर हम मेरे फादर के एज की बात करेंगे, उनका जो एरा था जब वो
उनके बचपन की अगर हम बात करें तो उस वक्त का जो खाना था या फिर न्यूट्रिशनल क्वालिटी थी, आज की डेट में वो कई गुना सुपीरियर थी। दुर्भाग्यवश साइंस आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजीज आगे जा रही है, बट जो फूड की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और जो क्वालिटी है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पा रही, वो एज इट इज है, बल्कि वो कम कम होते जा रही है। उसके यन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। तो इसीलिए जो नया दौर आया वो आया न्यूट्रासिटी का, जहां पे लोगों ने विटामिन्स की टैबलेट लेना शुरू कर दी थी, जहां पे अमीनो एसिड्स का सेवन करना शुरू किया था, जहां पे ओमेगा 369 की बात करें वो, या फिर और बहुत सारी चीजें जो हम भी डिस्कस करने वाले हैं वो अलग अलग तरीकों से लेने का प्रयास बहुत अच्छी तरीके से किया गया। और कई तरीके से अगर देखा जाए तो वो बहुत सही भी था, बिकॉज जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर से कोई चीज मिल तो नहीं रही है, सिर्फ हमारा पेट भर रहा है, और पेट जितना ज्यादा भरेगा उतना ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, होगा ही, क्यों, तो बॉडी तो एनर्जी वहीं से बनाएगी, बट न्यूट्रिशन ही नहीं था तो वो कहाँ से एनर्जी बनाएगी। तो उसका कन्वर्जन फैट्स के अंदर, उसका कन्वर्जन बहुत अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हुआ, जो डिपॉजिटेड टर्म के अंदर रहता था, और उसी वजह से हमें ओबेसिटी, आज देखिए पॉपुलेशन का काउंट अगर करेंगे तो 75% से भी ज्यादा लोगों के अंदर ओबेसिटी का इफेक्ट देखने मिलता है। जो ओबेज नहीं है, मोटे नहीं है, दिखने में तो बहुत स्लिम ट्रिम लगते हैं, बट वो उनकी वॉकिंग कैपेसिटी नहीं है, थोड़ा सा चलेंगे तो हाफ में लगते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को बयान करती। तो इसीलिए न्यूट्रिशन को किसी भी तरीके से हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या क्या काम करती है हमारे शरीर के अंदर, सबसे पहले ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। छोटे बच्चों को हम पिज्जा बर्गर नहीं देते, 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, वो नहीं देते, क्यों, क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में, उसकी बॉडी डेवलप होने लगी है, तो बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है। एज सच, बाहर की चीजों का मतलब एज सच ऐसे चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, समोसा, कचौरी, जो भी अलग चीजें हैं वो जरूरत पूरी नहीं कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन तो लगेगा, कहाँ से लगेगा, कहाँ से हम दे पाएंगे, तो उसके लिए अलग चीजें डिटरमाइन की गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूट्रिशन कहाँ लगेगा, ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्टिमल का मतलब ऐसा होता है, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इनफिनिट ग्रोथ हो, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा हो सकता है, बट जिस एज में जो ग्रोथ होनी चाहिए उसे हम कहेंगे ऑप्टिमल ग्रोथ। 10 साल के बच्चों के अंदर जो ग्रोथ हम अपेक्षा रखते हैं कि ये ग्रोथ होनी चाहिए, अगर वो सही मायने में, तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिमल ग्रोथ। जैसा रेफरेंस कहते हैं ना, किसी भी तरीके का शुगर को चेक करना है, रेफरेंस दिया जाता है, तो उस रेफरेंस के अंदर अगर है तो वी आर नॉर्मल, अगर उससे प्लस माइनस है तो वी आर प्री डायबिटिक या डायबिटिक, एज सच हम कह सकते हैं। तो ऑप्टिमल का हमेशा मतलब यह होता है कि जो इंडेक्स दिया जाता है, जो रेफरेंस दिया जाता है, उस रेफरेंस के अंदर, तो हमेशा ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मेरी एज के अंदर भी, आई एम 33 ईयर्स राइट नाउ, तो 33 ईयर्स के लिए जो होना चाहिए वो मेरे लिए ऑप्टिमल ग्रोथ होगा। माई फादर, वो मुझसे बड़े हैं, वो अलग, उनको लगेगा, छोटे बच्चे हैं, मेरी लड़की छोटी है, लड़का छोटा है, तो उसको अलग लगेगा। तो ऑप्टिमल ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज डिसीज प्रिवेंशन। आज अगर हम देखें तो इम्यून सिस्टम ही हमारी कॉम्प्रोमाइज है, हर घर में शुगर माने डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, थायराइड, अलग अलग चीजें देखने मिलती है। तो हमारा न्यूट्रिशन उस तरीके से काम ही नहीं कर पा रहा है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट में लगता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जब एक सेल दूसरी सेल के अंदर कन्वर्ट होती है ना, जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, माने एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, तो उस रेप्लिकेशन के दौरान एक सेल क्या करेगी, जो इतनी छोटी है सपोज, वो इस सेल के अंदर हर चीज डबल बनाती है, हर चीज डबल बनाएगी, तो डबल बनाने के टाइम पे ये बड़ी होती जाएगी, तो जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ये वाला जो हिस्सा है ना अंदर, जो डबल है, तो एक हिस्सा इस साइड में चला जाएगा लेफ्ट, और कुछ हिस्सा राइट साइड में आने लगता है, तो जैसे जैसे राइट साइड में आने लगेगा तो वो ये जो आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन वो भी बड़ी बनती जाती है इस बैक के जैसा, तो एक सेप्टम बनने लगता है धीरे धीरे, और कुछ देर के बाद अगर हम देखें तो दो अलग सेल बननी। तो जब दो सेल अलग अलग बनने लगती है ना, तो डीएनए जो है हमारा, वो डीएनए भी डबल बनता है, जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन।
तो वो कुछ हिस्सा डीएनए का एज इट इज फेज में रहता है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, तो इस वाले डीएनए जो सेंटर वाला डीएनए ना, जो इस सेल के अंदर भी नहीं है, इस सेल के अंदर भी नहीं है, जो डबल बन रहा है, और जब बना हुआ हिस्सा इधर जा रहा है नई सेल के अंदर, और जहां से बन रहा है वो पहली सेल के अंदर है, पर जो मॉडरेट कंडीशन है वो सेंटर में, जिसको किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है, तो वहां पे काम करता है मिनरल्स, वहां पे काम करते हैं आयंस, और सबसे इंपॉर्टेंट आयन वहां पे काम करता है इज मैग्नीशियम। तो वो वाले डीएनए के ऊपर ना मैग्नीशियम की ऊपर से एक लेयर, नीचे से एक लेयर बनती है, क्योंकि हमारे हर सेल के अंदर 50 से भी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पेट के अंदर डाइजेशन के लिए एचसीएल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वैसे 50 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो उनका रोल अलग अलग है, कुछ एंजाइम्स को कट करने के लिए, कुछ प्रोटीन को कट करने के लिए, कुछ लिपिड्स को कट करने के लिए, अलग अलग तरीके से। तो हो सकता है कि वो एंजाइम, उसमें से कोई एक एंजाइम आके हमारे डीएनए को खराब करे, मस्ट भी हो सकता है, दरवाजा अगर ओपन है और कोई देखने वाला नहीं है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो वो कवरिंग करने के लिए मैग्नीशियम लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर बना है, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो जैसा हम कहते हैं ना कि मैं कुछ पापा के जैसा हूं, कुछ मम्मी के जैसा हूं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डीएनए हमारे बॉडी के अंदर आया। तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है, उस नेक्स्ट जनरेशन को बनाने के लिए जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, उस डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम न्यूट्रिशन के द्वारा ही किया जा सकता है, और इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज एलोपैथी के ऊपर नहीं, न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा निर्भर कर, और धीरे धीरे इंडिया इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है, वो उसी तरीके से काम कर रहा है जो ग्रोइंग फेज है। नेक्स्ट वन इज ब्रेन फंक्शन। ब्रेन की रिलेटेड अगर हम बात करें ना, तो पैरालिसिस हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या पार्किंसन भी हो सकता है। तो ब्रेन रिलेटेड जो भी चीजें हैं, हमें पता है कि वो इश्यू हमारे ब्रेन के अंदर हो गया तो हमारे बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट देखने मिलते हैं। तो ब्रेन को भी अच्छी तरीके से फंक्शनिंग रोल प्ले करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको वहां पर दूंगा। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें जो ब्रेन के अंदर है, हम नींद में है, गहरी नींद में है, देखा जाता है कि रात को 11 से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है वो बहुत बेहतरीन समय होता है हमारी बॉडी को हील करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट उस टाइम पर भी है, हमें मच्छर काट रहा है तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली वहां तक जाता है, इसका मतलब ब्रेन इज स्टिल अवेकिंग। तो वहां पे न्यूरॉन्स काम कर, तो वो न्यूरॉन को सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जैसे जिसके ऊपर हमने अब बहुत बार बात भी किया है, तो उस कैल्शियम को अंदर लाने के लिए या फिर उस सिग्नल को बाहर भेजने के लिए, और दो तरीके के आयंस लगते हैं, दैट इज पोटेशियम एंड सोडियम, वो काम करते हैं एक्शन पोटेंशियल का। तो ब्रेन के अंदर भी न्यूट्रिशन लगती है, जो न्यूट्रिशन का मतलब कुछ आयंस लगते हैं, कुछ मिनरल्स लगते हैं इस तरीके से, कि वो अपना रोल उस तरीके से प्ले करें जो हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम करे। नेक्स्ट वन डाइजेस्टिव हेल्थ। हमारे पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जहां हम गट रीजन से लेके स्मॉल इंटेस्टिनल, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां तक कि एक्सक्रीशन मैकेनिज्म जहां से शुरू होता है वहां तक की अगर हम बात करें, तो पूरा हिस्सा न्यूट्रिशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। माने बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन लगती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डाइजेशन के लिए। और इंडिया की अगर हम बात करें ना, एक किस्सा मैं बताना चाहता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स फॉरेन में रहते हैं, एज ए रिसर्चर काम करते हैं वो। वन ऑफ द माई फ्रेंड इज मिस्टर संतोष शिंदे, जो जर्मनी में थे और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर उनका रिसर्च चल रहा था बहुत अच्छे लेवल पे। तो वहां पे उनका एक फ्रेंड था डॉक्टर जर्मनी का, तो उनका कहना है कि यार आर यू इंडियन या आई एम फ्रॉम द इंडिया, तो वो हंसने लगे, क्योंकि पूरे दुनिया में, सॉरी डेवलप कंट्रीज की अगर बात करें, सिर्फ बात करेंगे जर्मनी की, तो उनका कहना ऐसा है कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं इंडियन पेशेंट की अगर बात करें, तो 90% से भी ज्यादा लोगों को गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज है, मतलब डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है, पाइल्स हो सकता है, ज्यादा बर्पिंग आना हो सकता है, खट्टी डकारे आना हो सकता है, पेट का फूलना हो सकता है, गैसेस की प्रॉब्लम हो सकती है,
गैस माने डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं, तो ये पूरे डेवलप कंट्रीज अगर हम बात करें तो वहां कहीं देखा नहीं जाता, बट इंडियंस अगर जहां पे ज्यादा है, बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्टिक ओरिएंटेड ओनली विद द इंडिया, तो इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो 90% से भी ज्यादा लोगों को इसकी प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पुअर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की वजह से है, जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उसको भी फुलफिल करने का काम हमारे प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिशन हमारे बॉडी का, आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है, तो थोड़ा सा कृपया ध्यान दीजिएगा। कर दिया सर, कर सबसे दिया। इंपॉर्टेंट जो है वो है फ्यूल फॉर बॉडी, हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल चाहिए वो नथिंग बट द न्यूट्रिशन। तो हमारे बॉडी के अंदर जैसा लास्ट टाइम बड़ात्या सर ने बताया, इतने ऑर्गन्स है, इतनी सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर है, तो मैं ये कहूंगा कि ब्रेन से लेकर फुट तक जितना भी हमारा ये शरीर है, हर हिस्से का काम अलग है, हर हिस्से का फंक्शनिंग का रोल अलग है, हर हिस्से का फंक्शन अगर अलग है तो उसको लगने वाली चीजें भी अलग होगी, तो वो किस तरीके से दिया जाएगा। तो हमारा प्रयास यही था कि क्या ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए जो हर ऑर्गन को हर तरीके से फुलफिल करने का काम करे, जहां तक न्यूट्रिशन की बात है कि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पाए, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क ऑन आवर बॉडी। हम हमारे हेल्थ को अच्छा रखना तो चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर गुड हेल्थ, बट अब तक हमें वो क्यों नहीं मिला, तो उसके कुछ रीजंस यहाँ पे हम बताएंगे जो हाँ आमतौर पे हम बताते हैं। सबसे पहला रीजन है पुअर फूड क्वालिटी, जो हमें अच्छी तरीके की फूड क्वालिटी नहीं है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, उंगलियों पे गिन सके इतने ही लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, टाइम का इश्यू हो सकता है या फिर और कोई चीज, बट एक्सरसाइज अच्छे तरीके से नहीं हम करते हैं। नेक्स्ट वन, बैड हैबिट्स, पुअर लाइफस्टाइल, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है चाहिए हमें 10 ग्राम मिल तो रहा है, 2 ग्राम तो किस तरीके से काम किया जाए, हमें लगता है विटामिन D3 दैट इज अ फंक्शनल विटामिन डी जो अर्थराइटिस के अंदर काम करता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि यार मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम तो है, मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे बॉडी के अंदर 10 किलो कैल्शियम पड़ा है, बट वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो कैल्शियम को बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए जो विटामिन लगता है वो विटामिन ही नहीं है। अगर कोई पर्सन कहे कि मैं विटामिन डी की टैबलेट लेता हूँ या फिर विटामिन डी मेरे बॉडी के अंदर है, तब भी वो कुछ काम का नहीं है, बिकॉज वो विटामिन D2 के अंदर आता है, बट जो फंक्शनल अगर हम बात करें तो वो होता है टर्शरी फॉर्म दैट इज विटामिन D3, वो है एक्चुअल फंक्शनल विटामिन डी, और वो तब मिलेगा जब हम सनलाइट के अंदर घूमेंगे, वॉकिंग करेंगे। और कितने लोग हैं आज की इस मीटिंग में, लगभग 114 पीपल यहाँ पे हैं, लोग हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठकर वॉकिंग बहुत अच्छी तरीके से रेगुलर टाइम पे करते हैं? बहुत कम हो भी सकते हैं, बहुत कम है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हम चाहे जो चीज ले भी रहे हैं ना, तो उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्टली पुअर इम्यूनिटी, अगर ये सब चीजें हैं तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑलमोस्ट एटलीस्ट कौन होना चाहिए एट लास्ट में, दैट इज इम्यून सिस्टम, वो तो हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में काम करते ही है। अगर हम डायबिटीज की बात करें, वी आर लीडिंग इन डायबिटीज, हम हब बनते जा रहे हैं, और डायबिटिक पर्सन की अगर हम बात करें तो 50% इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज ही है, माने दो दरवाजे हैं इम्यून सिस्टम के, तो एक दरवाजा तो पहले से ही गिरा हुआ है, एक ही दरवाजा काम कर रहा है, तो किस सर, तरीके से यह होगा? तो इम्यून सिस्टम तो हमारी पहले से कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में है। न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट स्टडीज इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारा एक्चुअल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी फंक्शनिंग करने के लिए जो हम खाते हैं दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रिशन। तो हम क्या सही मायनों में प्रोटीन कंटेंट कहाँ से मिलता है, कितना हमें चाहिए उतना गिन के खाना, फाइबर को उसी तरीके से खाना, विटामिन्स को उसी तरीके से खाना, मिनरल्स को उसी तरीके से खाना, क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो हमने क्या किया, रोटी बना रहे हैं हम, तो उसके अंदर ज्वार भी डाल दी, बाजरा भी डाल दिया, कुछ मिलेट्स भी उसके अंदर डाल दिए, उसको पीस कर उसको हम बना के खा रहे हैं। बट क्या ये आपको पता है कि जो बाजरा है
वो समर सीजन में नहीं खा सकते बिकॉज उसके अंदर हीट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। हमें लगता है कि यार हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, उसके अंदर तो कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो हमें ज्वार खाना चाहिए, फिर बाजरा खाना चाहिए। बट ये नहीं पता कि वो समर सीजन में नहीं खाना चाहिए। अगर समर सीजन में वो खाएंगे हम, तो हमारे बॉडी का हीट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हमारे शरीर के अंदर हीट लेवल कंटेंट भी होते हैं, हीट सेंसिटिव कंटेंट भी होते हैं, वो डिनेचर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। उसी के साथ और एक चीज होती है कि हरे सब्जियां खाना भी बहुत अच्छी बात है, सही है ना? तो 12 महीने हरी सब्जियां खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हम हरी सब्जियां समर सीजन में खाते रहे तो उसके अंदर से भी बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है, बिकॉज जब भी सेल वॉल का डिस्टर्ब होता है, सेल वॉल निकल जाती है, तो उसके अंदर का आयन कंटेंट इतनी अमाउंट में बाहर निकलता है जो हमारे बॉडी का हीट को बढ़ाने का काम करता है। तो क्या यह संभव है कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो कहाँ से लाना चाहिए, इतना हम सोचते हैं? दैट इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। हर किसी को तो वो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए न्यूट्रिशन का जो दायरा है, न्यूट्रिशन का जो मार्केट है, वो बहुत बड़ा है, और वो तब अच्छी तरीके से हम गेन कर पाएंगे जब हम ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे जो किसी भी तरीके से साइड इफेक्ट वाला नहीं है, किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर डिपॉजिट वाला नहीं है। हर पर्सन को, हर एज के अंदर, हर ऑर्गन को जितना चाहिए उतना देगा, ज्यादा हो सकता है, बिकॉज मैं एक चम्मच खा रहा हूं, 10 साल का बच्चा भी एक चम्मच खा रहा है, 50 साल का भी एक चम्मच खा रहा है, 80 साल का भी एक चम्मच खा रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो 10 साल को भी उतना ही मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है, मुझे भी इतना मिल रहा है जितना 90 साल के पर्सन को मिल रहा है। तो इसके इफेक्ट अलग अलग क्यों होंगे? बिकॉज ये 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से बना है। तो आयुर्वेदा का बेस्ट फीचर क्या है? जितना आपके शरीर को लगेगा उतना ही वो लेगा, एब्जॉर्ब कर कर लेगा और बाकी बॉडी के बाहर निकाल देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद, दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेरेज मोर पावर प्लस एंड प्रीमियम एज वेल। तो आज के डेट में क्या क्या हेल्थ इश्यूज हमें देखने मिलते हैं, अगर गिनना चाहेंगे तो 8,500 से भी ज्यादा डिजीजेस आज, बट कितना हमें पता है? जैसा इस प्रेजेंटेशन के शुरुआती दौर में मैंने कहा कि सिम्टमेटिक कंडीशन, हमारे बॉडी को सिम्टम तब मिलते हैं जब हमारी बॉडी खुद से रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता हमारे बॉडी, तब वो बताएगी कि यार ये प्रॉब्लम है, आप देखिए मुझसे अब ये काम नहीं होगा। इसका मतलब क्या कोई सिम्टम तुरंत आपको दिखाई देगा? नहीं, उस सिम्टम को दिखाने के लिए जो बैकग्राउंड में कंडीशन चल रही है ना, वो शायद हो सकता है 8 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीने का है, 1 साल का है, या 2 साल, तो ये हम नहीं कह सकते। तो हमारी बॉडी अंदर से उसको फाइट करने का काम कर तो रही है, बट वो हमेशा फेल होने लगी, और जब वो अलग अलग प्रयास करने के बाद हर बार फेल होने लगती है, तब वो हमें बताती है कि भैया ये मैं काम नहीं कर सकती हूँ, आप अपनी तौर से देखिए। तब हम जाते हैं एलोपैथी का सहारा लेते हैं, दैट इज अ बेस्ट थिंग। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं? आइए देखते हैं कर सकते हैं क्या। सबसे पहले देखेंगे हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहला एरा जो आज के डेट में देखने मिलता है, लगभग 400 से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर इस एक ही कैटेगरी के अंदर आती है, और जितना आज हम डिसीज डिसऑर्डर को जानते हैं, पहचानते हैं, जितने भी नाम आप देखते होंगे डिसीज डिसऑर्डर्स के, वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है मोस्टली। जिसका जिस कैटेगरी का नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, दैट इज अ लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स। गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खाने पीने की चीजों की वजह से, गलत तौर तरीकों की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर भी है उसके अंदर शामिल है। तो इन सभी लोगों चीजों का अगर हम इकट्ठा कर दे तो वो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीजेस उसके अंदर आते हैं। क्या क्या हो सकता है? मसल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, सोराइसिस हैं, एनीमिया ब्लड रिलेटेड चीजें हैं, थायराइड है, नमनेस, वो छोटे बच्चों को भी आज के डेट में देखने मिल रहा है। कभी कभार हाथों पैरों के अंदर झुंझुनाहट हो जाना या हल्का से चक्कर आने के जैसे चीजें होना, उसको हम कहेंगे टिंगलिंग या नमनेस। डायबिटीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माने मसल्स लूज होना, मसल्स के अंदर टाइटनेस ना रहना। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, ऑल टाइप ऑफ अर्थराइटिस। जी हाँ, जितने भी तरीके के अर्थराइटिस आपको पता है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोपेनिया हो, कैल्शियम डिफिशियंसी हो, ज्वाइंट पेन हो, चाहे और चीज हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इसके अंदर आता है। बहुत बार ये भी देखने मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया, यार उसके बाद फ्रैक्चर को जोड़ा गया है, फ्रैक्चर भी ठीक हुआ है, बट जब बादल आएंगे या ठंड के दिन आएंगे या फिर हेवी बारिश हो जाएगी, तो उस वक्त पर्टिकुलर उस
एरिया में जहां पे ऑपरेशन या फिर प्लास्टर किया गया था, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था हड्डियों को लेके, वहां पे पेन होने लगता है। तो दैट इज ऑल्सो अंडर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्थराइटिस। नेक्स्ट इन कार्डियक हेल्थ, हार्ट रिलेटेड समस्या। तो हार्ट को अगर हम देखेंगे तो ब्लड भी उसके अंदर आएगा, हार्ट की पंपिंग भी आएगी, उसका प्रेशर भी आएगा, उसके क्लॉट्स भी आएंगे, उसका सर्कुलेशन भी आएगा, बीट्स भी आएंगी, तो वो सब चीजें अंदर कैटेगरी आती है कार्डियक रिलेटेड। नेक्स्ट है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उसमें ऑलमोस्ट मेल्स की अगर हम बात करें ना, पल्ले पड़े नहीं। तो एक्सक्यूज मी, माइक अगर किसी का शुरू है तो प्लीज बंद करिएगा। होस्ट एंड को होस्ट प्लीज ध्यान दें इसके ऊपर। मेल्स की अगर हम बात करें तो 90% से भी ज्यादा मेल्स के अंदर सेक्सुअल डिसेबिलिटीज आज के डेट में देखने मिल रही है। तो उसके भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ रीजंस है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ओवर एग्जर्शन हो सकता है, और फिजिकल एक्सरसाइज भी हो सकती है, हमारे थॉट प्रोसेस भी हो सकती है, हमारा खाना पीना रहना, वो तो सब चीज कंट्रोल उसको करती ही है, बट ये अलग चीजें हैं जो सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के अंदर काम करती है। और सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले पायदान पे आता है इरेक्शन, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन को उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ना मिलना। तो उसको लेकर बहुत सारे मेडिकेशंस मेडिसिंस मार्केट में अवेलेबल है, जो स्टेरॉइड भी हो सकती है, जो केमिकल ड्रग भी हो सकता है, नेचुरल की बात करें तो नेचुरल एक्साइटर भी हो सकते हैं। तो इन तीनों को अगर हम देखें तो हमारा प्रोडक्ट उन सभी लोगों से अलग। इसके अंदर एक्साइटर किसी भी तरीके का नहीं है, चाहे हम आर्टिफिशियल की बात करें, मैनमेड की बात करें या नेचुरल की बात करें। शिलाजीत इज ऑल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ नेचुरल स्टेरॉइड या फिर एक्साइटर। तो उस एक इंग्रेडिएंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए इफेक्ट तो उसके जैसे मिलने चाहिए, बट उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। बिकॉज शिलाजीत अगर है ना, तो ग्रेन के दाने कितना खाना चाहिए, कितना, एक ग्रेन, एक गेहूं जितना होता है उतना ही खाना चाहिए, वो भी एक गिलास पानी के अंदर मिक्स करके। उसके साइड इफेक्ट भी हमें देखने में, जो सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करता है, ओनली फॉर द सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट, दैट्स इट, इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग द टेस्टोस्टेरोन। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट जो है ना, वो तो नेचुरल एनहांसर्स है, एक्साइटर नहीं है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा एनहांसर एक्साइटर का डिफरेंस। फोर व्हीलर अगर है, वो भी स्पोर्ट वाली स्पोर्ट्स कार, तो वो 0 to 6 seconds के अंदर 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है, दैट इज एक्साइटर, वूम निकल गई। एनहांसर का मतलब क्या, जो धीरे धीरे, जैसा पहला गियर डाला 20 की स्पीड, सेकेंड गियर डाल दिया 40 की स्पीड, थर्ड गियर डाल दिया 50 की स्पीड, तो जो गियर के हिसाब से बढ़ रहा है ना, जिसको हम कहेंगे, और कंट्रोल भी कर सकते हैं उसको, गियर कम कर दोगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, आप चाहे जितना भी प्रयास करोगे उसको भगाने का, वो उतना ज्यादा भाग ही नहीं पाएगा, बिकॉज आपने उस गियर को कंट्रोल किया है। तो आवर प्रोडक्ट इज एज लाइक एनहांसर, जो आपकी एज को, आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। तो आप ये कहोगे कि 90 ईयर्स ओल्ड पर्सन ने अगर हमारा प्रोडक्ट लिया तो क्या, डेफिनेटली उनके बॉडी के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, वो हमारे हड्डियों को मसल्स के साथ जकड़ के रखने के लिए भी काम करते हैं। जैसे हमने कहा ना, मसल फाइब्रोसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है। यंग जनरेशन के अंदर मसल्स को लेते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आज के डेट में देखने मिलते हैं। तो मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हमारा प्रोडक्ट बेस्ट तरीके से काम करता है, जो नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। हमारे प्रोडक्ट के अंदर और एक बाय प्रोडक्ट आता है, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट एक बाय प्रोडक्ट देता है, दैट इज अर्जिनिन। मार्केट में लिवर रोटेटरी, दैट इज येल अर्जिनिन का सेवन भी किया जाता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली लेते हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के। हमारे प्रोडक्ट के अंदर तो वो एक बाय प्रोडक्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स कितने बेहतरीन है, जो मार्केट का एक इंग्रेडिएंट, स्पेशली इंग्रेडिएंट लेते हैं लोग एक काम को बढ़ाने के लिए, वो जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे किसी एक इंग्रेडिएंट का एक बाय प्रोडक्ट। तो कितना बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट है, आप ये सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्री रेडिकल्स, जो जैसा हमने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट्स को लगते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके ऊपर भी बहुत बात हम कर सकते हैं, जो एजनिंग के अंदर भी काम करता है, जो हमारे बॉडी को अंदर से मारने का काम करता है, उसको प्रिकॉशनरी वे में अगर हम देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट का रोल होता है। और हमारे प्रोडक्ट के अंदर बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है, ऑलमोस्ट 30+ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, दोज आर शोइंग द एंटीऑक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी इन आवर बॉडी। एटम डिसऑर्डर्स, जो जितने भी एटम डिसऑर्डर्स हैं वो, और नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी हो, मिर्गी के दौरे हो,
के झटके हो जो छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी एज कैटेगरी के अंदर देखने मिलती है, दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रिशनल डिसेबिलिटीज इन आवर ब्रेन। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन से कवर होता है वो, तो ब्रेन के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज आती है या जो काम करने के लिए इंग्रेडिएंट नहीं मिलते हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो अपना काम बंद करती है। तो वो अगर कंडीशन आ जाएगी तो हमें मिर्गी के दौरे देखने में, दैट इज नथिंग बट एपिलेप्सी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हो या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज हो। भूलना, आमतौर पे जो काम करना है वो काम के ऊपर ज्यादा फोकस ना रहना, ज्यादा याद ना रहना, या फिर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर बार बार डिफोकस डिमोटिवेट होना, तो वो सभी चीजों को अंदर कैटेगरी हम लाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। और जो छोटे बच्चों से लेके सभी लोगों के अंदर आज की डेट में देखने मिलती है, तो उसके अंदर भी अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करती है। जितने भी हेल्थ इश्यूज हमने यहाँ पे बताया ना, वो एक क्या कहेंगे हम, एक कैटेगरी के तौर पे हम बता रहे हैं, हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जितने भी यहाँ पे हमने बताए उन सभी के ऊपर हमारा प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। तो इन सभी के ऊपर तो हमारा हिबारिस मोर पाउडर जो रेगुलर प्रोडक्ट है वो तो काम करता ही था, तो प्रीमियम की जरूरत क्यों पड़ी? वाई प्रीमियम, जो आप देख रहे हैं सेंटर में, दैट इज आवर प्रोडक्ट प्रीमियम हिबारिस मोर पावर प्लस प्रीमियम। तो उसके चार मेन रीजंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है स्वर्ण भस्म, इसके अंदर हमने स्वर्ण भस्म यूज किया है। हमारा जो सीमन होता है, जो स्पर्म है, उसका जो हेड है, सीमन को अगर हम देखें, आपने अगर उसको गूगल के अंदर देखा होगा, उसका स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर, तो ऊपर उसका इतना एक लूप होता है और नीचे उसकी टेल होती है जो घूमने का काम करती है, जो फेलेंड्री ट्यूब से लेके उसको गर्भाशय तक जाने के लिए वो काम करता है, उसको मूव मोशन देने के लिए, स्पाइरल तरीके से घूमता है। तो उसका जो ऊपर का हेड जो रीजन है ना, उसके टिप के ऊपर गोल्ड पार्टिकल देखने मिलता है, जो डिटरमाइन करता है कि वो स्पर्म की क्वालिटी क्या है। सिंगल स्पर्म एंड सिंगल एग, ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तब जाके नया लाइफ बनता है, फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो वो स्पर्म किस क्वालिटी का होना चाहिए, वो डिटरमिनेंट, एज अ डिटरमिनेंट फैक्टर काम करता है गोल्ड पार्टिकल। दुर्भाग्यवश आज वो सिस्टम नहीं है कि स्पर्म का एनालिसिस करने के बाद ये पता किया जाए कि गोल्ड का क्वालिटी क्या है या फिर स्पर्म की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से। तो हमारा प्रोडक्ट स्पर्म को अच्छी क्वालिटी भी देगा, उसका मोशन भी अच्छा करेगा, उसकी थिकनेस भी अच्छा करेगा, जितने भी तरीकों की डिसेबिलिटीज है ना स्पर्म्स को लेके, वो बेहतरीन तरीके से बढ़ाने का काम करेगा अपना प्रोडक्ट। तो स्वर्ण भस्म उसके अंदर तो काम करता ही है। साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सोना उगाल के देते हैं, देखा होगा आपने, दिया भी होगा, देखना क्या, हर घर में ये चीज होती है, एक बार घुमा के देते हैं, बहुत कम मात्रा दी जाती है। क्यों दिया जाता है? हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से बढ़ना चाहिए, ठीक है? वो अगर ज्यादा दिया तो क्या होगा, उसके एडवर्स इफेक्ट देखने मिलते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट वेल फॉर्मुलेटेड है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। तो जो काम छोटे बच्चों के अंदर वो गोल्ड करता है ना, वो सोना करता है, वही काम हिबारिस मोर पावर प्रीमियम हर एज के पर्सन के अंदर करेगा। उसके रीजंस भी हम देखेंगे कि क्यों करेगा। तो ये रहा गोल्ड। सिल्वर, सिल्वर भी बहुत शानदार तरीके से हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, हमारे बॉडी को ठंडा रखने का काम करता है, जो कॉम्पेंसेशन हीट को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो चीजें की जाती है वो चीज रजत भस्म के द्वारा की जाती है, रजत भस्ममस मतलब सिल्वर। नेक्स्ट वन, प्रीमियम को बनाने के लिए हमने स्पेनिश न्यूट्रासिटिकल्स का सहारा लिया है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने वहां से लिए हैं, कुछ हर्ब्स स्पेनिश न्यूट्रासिटिकल का हमने लिया है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे प्रोडक्ट की जो नीड है या फिर जो हमारा प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर जो आकर काम करने वाला है उसकी एनहांसमेंट इतनी ज्यादा अमाउंट में करेगा कि उसका एक्सपीरियंस आप सिर्फ इस प्रोडक्ट को खाने के बाद ही ले सकते। और जितने भी लोगों ने प्रीमियम का सेवन किया है उन सभी लोगों का यही कहना है कि ये प्रोडक्ट मिराकुलस प्रोडक्ट, और वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, उसको हम वर्डिंग के अंदर नहीं बता सकते। नेक्स्ट वन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने पेटेंटेड ऐड किए हैं, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स विद वेल रिसर्च एंड क्लिनिकली टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब किसी भी इंग्रेडिएंट का किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? तो इंग्रेडिएंट अगर पेटेंटेड है तो इसका क्या सबूत है? हिबारिस मोर पावर के बारे में हमने बहुत बात की है, तो आज हम यहां बात करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए कि प्रीमियम के अंदर क्या ऐसे इंग्रेडिएंट है
जो हम पेटेंट बता रहे हैं उसका काम क्या है। तो ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोल्ड भस्म, जो बेहतरीन तरीके से हमारे बॉडी के अंदर काम करेगा। क्या क्या काम करेगा? इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा, ऐसी इम्यूनिटी आपकी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी धूप काला है, समर सीजन इज गोइंग ऑन, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर ज्यादा धूप हो जाएगी तो बारिश की संभावना भी होती है, एक हाथ दो दिन बारिश भी हो सकती है। तो ये ट्रांजिशन वाला फेज होता है ना, जहाँ धूप बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि धूप बहुत ज्यादा, आप दिन भर धूप में काम करते आए हो, ठंडा पानी आपने पिया, या फिर एसी के अंदर तुरंत चले जाएं आप और वहां पे बैठेंगे, तो हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी अपना प्रोडक्ट काम करता है। ये तो मैं बहुत नैरो तरीके से बता रहा हूं, तो अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो बेहतरीन तरीके से काम करेगा। नर्वस सिस्टम, जो हमारी पूरी कंट्रोलिंग करने का काम करती है ना, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो या सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो, जो हमारी कंप्लीटली नर्वस सिस्टम के अंदर काम करती है, तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। रिजुवनेशन, हमारी सेल का जो नई सेल जब बनती है ना, एक सेल नई सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, तो वो जब नई बनती है ना, तो उसका फंक्शनिंग पहले से रिस्टोर करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाएगा। हार्ट के लिए अच्छा है, स्ट्रेस के लिए अच्छा है, मेमोरी के लिए, जैसे हम कहते हैं कि मेमोरी के लिए, तो ये डेफिनेटली वर्क करता ही है। नेक्स्ट वन इज रजत, क्या काम करेगा? मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने का, स्टेबल करने का काम करेगा, हमारी स्किन को अच्छे तरीके से काम करेगा, वाइटलिटी और रिजनरेशन जो सेल की अच्छी तरीका है, उसका जो फंक्शन है वो रिस्टोर करने का काम इससे किया जाएगा। और साथ ही वाइटलिटी, इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है बॉडी के अंदर होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ, जैसा हम कहते हैं ना कि हमारे बॉडी के अंदर एक सप्त धातु होता है, जैसा कोई अगर ब्रह्मचारी पर्सन को हम देखेंगे तो उनका स्किन टोन, उनको देखते ही पता चलता है कि ये पर्सन कुछ अलग तरीके का, नॉर्मल पर्सन नहीं दिखता, जो ऑरा उनका दिखता है ना, तो हमारे बॉडी को अंदर से वो ओज देने का काम, उस तरीके से हमारे बॉडी को बढ़ाने का काम हमारे इन इंग्रेडिएंट्स के किया जाएगा, चाहे हम गोल्ड की बात करें या सिल्वर की बात करें। एंटी इंफ्लेमेटरी है, क्रॉनिक डिसीज के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, और इसीलिए जब हम स्वीट, अच्छे स्वीट की बात करें ना, जो बड़े हैं अच्छे क्वालिटी के स्वीट रखते हैं, तो वो कुछ ऐसे स्वीट्स होते हैं जिनके ऊपर चांदी की परत लगाई जाती है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के वो काम, बट हमने यहाँ पे ओरिजिनल सिल्वर का एक्सट्रैक्ट, जो भस्म है, वही डाला है, जो बेहतरीन तरीके से हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। नेक्स्ट वन शाहगंधा, ये एक अश्वगंधा का पेटेंटेड प्यूरिफाइड फॉर्म है शाहगंधा, जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है समी लैब का, दैट इज फ्रॉम द यूएसए, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है उनका, पेटेंट है मतलब इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, उसके बाद इन्होंने ये प्रोडक्ट, ये इंग्रेडिएंट बनाया और वो हमने इनसे परचेस किया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी आए और पेटेंट इंग्रेडिएंट लेके आए, ये संभव नहीं है, बिकॉज जब हम हमारा एक ऐसा इंग्रेडिएंट दे रहे हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से, तो उसे, जैसा सपोज हम हीरा है, वो हीरा हम किसी को भी दे सकते हैं क्या? नहीं देंगे। अगर वो हीरे को संभालने की कैपेबिलिटी अगर किसी पर्सन के पास है, तभी हम उसको वो देंगे संभालने के लिए, यूज करने के लिए, हम किसी को भी नहीं देंगे। तो ये ट्रस्ट वर्दी है हमारे लिए भी कि हम ऐसे लैबोरेटरी का इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग को भी शो करता है कि हम कितने अच्छे तरीके के मैन्युफैक्चरर हैं, कितने अच्छे तरीके का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, और कितना अच्छा हमारा मार्केट के ऊपर होल्ड है, जो हम हेल्थ की बात करें। तो ये क्या क्या काम करेगा? इसको सबसे इंपॉर्टेंटली इंडियन जिनसेंग कहते हैं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोरियन रेड जिनसेंग भी है, जिसके एन नंबर ऑफ रिजल्ट देखने मिलते हैं, उसके साथ अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं इंडियन जिनसेंग का, अनबिलीवेबल रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। क्या क्या इसके तो बहुत सारे, इसके ही अगर हम बात करेंगे क्या क्या रिजल्ट करेगा, तो 4 से 6 स्लाइड्स तो एक ही इंग्रेडिएंट की बनी, तो बहुत फास्ट लेंगे हम। ये एक एडेप्टोजन है जो स्ट्रेस को और हमारे मेंटल प्रेशर को एक स्टेबल करने का काम करता है। ये नेक्स्ट वन सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। सेक्सुअली मतलब जहां पे हमने यहाँ पे दिया, देखिए एफोर्डिसिक, ये इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन को भी जो इंग्रेडिएंट काम करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि हमने सेक्सुअल चीज को सोचा, तो वो टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये जो सिनेरियो है ना, तो हमारे थॉट के अंदर भी उसको जगाने का काम, और सही अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाए, सही अमाउंट में सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ दे, ये बहुत नपातुला है। मैं ज्यादा टेक्निकल बात नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, तो समझने का प्रयास करिएगा कि थॉट प्रोसेस को भी मद्देनजर रखते हुए ये इंग्रेडिएंट काम करता है।
तो सोचिए हमारा प्रीमियम किस तरीके से काम करेगा। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ना, मूड स्विंग्स फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअल बाइपोलर डिसऑर्डर। एक पर्सन के अंदर दो रूप हमें देखने मिलते हैं, तो उसके अंदर भी ये शानदार तरीके से काम करता है। तो जो स्टडी उनकी थी वो स्टडी यहाँ पे दी है, तो मैं यही थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। बहुत लोगों को ये लगता है कि ज्यादा अमाउंट में डालिए ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, है ना। वो तो हुआ सिर्फ प्रोडक्शन, हम फॉर्मुलेट करते हैं, हम फॉर्मुलेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये ग्राफ अगर ऊपर का देखिए या नीचे का देखिए, ऊपर के ग्राफ को देखते हैं हम, यहाँ पे कंट्रोल है नॉर्मल, ये ऊपर वाला हिस्सा है, होप मेरा कर्सर दिख रहा होगा। नेक्स्ट वन है 50 mg/kg, 50 mg यूज किया गया, उसके बाद 100 mg, 200 mg। तो होना क्या चाहिए, जहां पे 200 है वहां पे रिजल्ट ज्यादा दिखने चाहिए, बट उल्टा दिख क्या रहा है, यहाँ पे 100 mg का असर बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली 200 का। 50 का देखिए और 200 का देखिए, बहुत सिमिलैरिटी देखने मिलेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हम 50, 200 और 100 का, तीनों का कंपेरिजन करेंगे तो 100 सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड स्टडीज। रिसर्च का मतलब क्या होता है, वो आप इस ग्राफ को मद्देनजर देखकर देख सकते हैं, कह सकते हैं कि यस सिबार इज मोर पावर प्रीमियम, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो वेल रिसर्च एंड वेल इंग्रेडिएंट को देखकर बनाया गया है। तो ये शाहगंता का हम यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कुरकुमिन सी3 कॉम्प्लेक्स। आपने कुरकुमिन के बारे में बहुत पढ़ा होगा, सभी लोग उनका ऑलमोस्ट जानकारी होगी कुरकुमिन क्या काम करता है। हमने यहाँ पे सिर्फ कुरकुमिन नहीं, कुरकुमिन को स्टेबल करने के लिए दो अलग तरीके के कुरकुमिनोइड्स ऐड किए हैं। इसीलिए पहला कुरकुमिनोइड कुरकुमिन और दूसरा कुरकुमिनाइड, तीन को मद्देनजर रखते हुए एक एक लेटर बना, दैट इज कुरकुमिन सी3 कॉम्प्लेक्स, जो भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है सबिंसा ग्रुप का, जिनसे हमने ये इंग्रेडिएंट परचेस किया है, जिसके बहुत बेहतर, जो कुरकुमिन के इफेक्ट आपको पता है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा कुरकुमिन के क्या रिजल्ट है, क्या इफेक्ट है, उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। बिकॉज जो हम चीज खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर कितनी देर रहेगी, उसका एक पर्टिकुलर टाइम, तो उस टाइम को जैसा 20 से आधा घंटा का, 35 मिनट का ड्यूरेशन देखा जाता है। अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, एक अच्छा फूड हेल्दी फूड की बात करेंगे, अगर नॉनवेज की बात करेंगे तो 72 आवर्स तक प्रोलॉन्ग होगा। तो हम वैसे फूड की बात नहीं कर रहे हैं, जंक फूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे फूड की बात कर रहे हैं जो हमारे बॉडी को नरिश करता होगा। तो लगभग आधा घंटा, मोटा मोटी बात करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे, आधा घंटा का वो रहता है। तो जब ये इंग्रेडिएंट आप यूज करोगे ना, फिबर इज मोर पावर प्रीमियम यूज करोगे, तो ये जो दो अलग कुरकुमिनाइड्स हैं वो उस कुरकुमिन को ज्यादा लंबे समय तक स्टेबल करके रखेंगे आपके बॉडी के अंदर। तो क्या होगा, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा और शानदार तरीके से मिलेंगे। कुरकुमिन का क्या क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल कुरकुमिन सी3 कॉम्प्लेक्स को गोल्ड स्टैंडर्ड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट कहते हैं पूरी दुनिया में। आप देख लेना कुरकुमिन सी3 कॉम्प्लेक्स ये काम करेगा। तो हमने सिर्फ लिया और डाला ऐसा नहीं है, हमने हमारे बाकी इंग्रेडिएंट को भी मद्देनजर रखते हुए इसका यूटिलाइजेशन कितना करना चाहिए उसके ऊपर काम करके फिर ये प्रोडक्ट हमने बनाया। तो ये बहुत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे आप कि यार कुरकुमिन है लिया, शाहगंधा है लिया, अश्वगंधा है लिया, डाल दिया, डंप कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने मिलेंगे, जो एंटी इंफ्लेमेटरी है, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, कैंसर के अंदर तो बेहतरीन तरीके से वर्क करता है ये, चाहे किसी भी तरीके का कैंसर हो। हिबारिस मोर पावर तो कैंसर के ऊपर बहुत शानदार काम करता ही है, उससे कई गुना अच्छे रिजल्ट हमें कैंसर के ऊपर मिलेंगे, पैरालिसिस के ऊपर मिलेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर मिलेंगी, इन्फ्लेमेशन के अंदर मिलेगा, उसी के साथ साथ एलर्जीज के अंदर मिलेगा। तो शानदार तरीके के रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ कुरकुमिन सी3 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सेबरी, दैट इज द प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ आंवला। सब लोग कहते हैं ना कि आंवला खाना चाहिए, उसका जूस पीना चाहिए, उसकी कैंडीज खानी चाहिए, उसका पाउडर लेना चाहिए। तो हमने आंवला को यूज नहीं किया, हमने उसके अंदर का जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट था, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आंवला खाने के बाद, जो हमारे बॉडी के अंदर एज ए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट काम करता है, उसी को हमने यूज किया, दैट इज नथिंग बट सेबरी। और वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है बी केयर नेचुरल फ्रांस इस लैबोरेटरी। तो देखिए हमने सिर्फ एक से लिया नहीं है, हमने बहुत रिसर्च किया है किस तरीके से लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट और अच्छी तरीके से निखर के आए और अच्छी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड बने। तो अलग अलग लैबोरेटरीज को हमने देखा, रिसर्च किया, फिर हमने ये इंग्रेडिएंट लिया है। तो ये हमारे लीवर के अंदर
और सही मायने में देखा जाए तो ये डायबिटीज के अंदर तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है, दैट इज टर्म द टाइप टू डायबिटीज। नेक्स्ट वन फिनोमिनन, ये भी सेविंसा ग्रुप का रजिस्टर्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के अंदर बेहतरीन तरीके से गट रीजन के अंदर काम करता है, हमारे डाइजेशन के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। आपने प्रोबायोटिक सुना होगा, प्रोबायोटिक अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो वो प्रोबायोटिक 100% आपको रिकमेंड करेगा, बिकॉज एलोपैथिक इन मेडिकेशन हम जब लेते हैं तो उसको टारगेट ओरिएंटेड वो काम करता है। मान के चलिए ब्रेन सर दर्द हो रहा है तो वो गोली आप खाओगे तो सर के अंदर जो टारगेटेड साइट है उसको जो डिटरमाइन की गई है, लगभग 7 अलग अलग तरीके की टारगेट साइट होती है, जहां पे मैंने फार्मास्यूटिकल बायोटेक मैंने पढ़ाया है, एमएससी बीएससी के बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो हमें पता है कि 7 अलग अलग तरीके के टारगेटेड साइट है, तो उन टारगेटेड साइट के ऊपर जाके ये काम करता है। और हर जो मेडिसिन है उसकी टारगेटेड साइट अलग, उसकी कितना उसका कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, कितना वर्क करना चाहिए, वो स्किल है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो वो काम करेगा वहां पर जाके। तो उसको दिया गया है रोल कि वहां पर जाके आपको उस पर्टिकुलर सिस्टम को बंद करना, अगर वो बंद हो जाएगा तो आगे का काम नहीं होगा, मतलब आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, तो वो टारगेट साइट पे जाके काम करेगा, तो पर्टिकुलरली उस साइट पे तो वो जाएगा, बट उसके नियर विसिनिटी में जो अच्छी चीजें उसको भी वो खराब करेगा। और इसीलिए जब एंटीबायोटिक का सेवन हम करते हैं तब हमें वीकनेस महसूस होता है, और उस वीकनेस से उभर कर आने के लिए डॉक्टर हमें, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो हमें प्रोबायोटिक देते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से काम। तो हम इस इंग्रेडिएंट के द्वारा आपके शरीर के अंदर जो नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है, चाहे ई कोलाई की बात करें, चाहे हम बैसिलस की बात करें, मैं किसी उनका फैमिली ले रहा हूं, मैं जीनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मोर लिटरली जा रहा हूं मैं, तो जो अच्छे अच्छे गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी को अच्छा रखने का काम करते हैं, तो उनका फूड जो है वो है प्रीबायोटिक्स, समझ रहे हैं? जो प्रोबायोटिक जिसका काम मैंने अभी बताया, तो उस प्रोबायोटिक को नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए उनका फूड हम दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीबायोटिक। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीके का प्रीबायोटिक है, मतलब जब इबारिस मोर पावर प्रीमियम का सेवन आप करोगे तो आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो और अच्छी तरीके से उभर कर आएंगे, और अच्छी तरीके से उसके रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। साथ ही दूध पिलाने वाले माताएं जो हैं, लैक्टेशन है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है, बट हम लैक्टेशन के द्वारा जब महिलाएं दूध पिलाती हैं तब हम इस प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज उसके कई सारे अलग रीजन से। तो ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन बायोपेरिन, देखा होगा आपने, बायोपेरिन एब्जॉर्प्शन के अंदर काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एब्जॉर्प्शन है वो पाइपरीन नाम के एक एंजाइम से किया जाता है, दैट इज नथिंग बट द बायोपेरिन जो ब्लैक पेपर के अंदर देखा जाता है। तो जितना भी हैवी फूड है ना, नॉनवेज की बात करेंगे हम, या महाराष्ट्र का सबसे फेमस है पूरणपोली उसकी बात करेंगे हम, या फिर जो भी हैवी डिशेस है ना जहाँ पे बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करने को अच्छा समय लगेगा, तो उन हैवी डिशेस के अंदर बायोपेरिन माने ब्लैक पेपर का यूज किया जाता है, ग्रीन पेपर्स भी यूज किए जाते हैं, बट उससे कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो ब्लैक पेपर मच मोर अहेड इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन। तो हमने इसके अंदर डायरेक्टली बायोपेरिन, दैट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ सबिंसा लैब, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, तो वो हमने लिया है। तो अभी क्या होगा, कुर्कुमिन सी3 है, फिनामिनन है, ट्रिफोलिन इसके अंदर यूज किया गया है, जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो तो है ही, इसके अंदर शहागंधा भी यूज किया है, और इसके कंपैरिजन में हमने एक कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड किया है बायोपेरी, जो 90% से भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन बताता है, रिसर्च किया गया था इसके ऊपर समीसा ग्रुप के लैबोरेटरीज के अंदर, और ऐसा पाया गया कि अनबिलीवेबल, जो मैं बता भी नहीं पाऊंगा यहाँ पे, आप बोलोगे कि यार अपना प्रोडक्ट है तो ये सर कुछ भी बता रहे हैं, कितना ही बता रहे हैं, तो यन टाइप ऑफ यन नंबर्स ऑफ इसके एब्जॉर्प्शन रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं टाइम्स। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट ब्रेन से लेके फुट तक सभी जगह पे इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें कुरकुमिन सी3 कॉम्प्लेक्स एंड बायोपेरिन की, तो उसका इफेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ बायोपेरिन था जो ये रेड आप देख रहे हैं, जहां यहाँ की बात करेंगे ये रेड की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा है जो आप देख रहे हो, ये छोटा सा पहला लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो देखिए जहां पे हमने सिर्फ एक कुरकुमिन दिया था वो नॉर्मल तरीके से एक सिंगल लाइन, थोड़ा सा आप दिख रहा है वहां पे थोड़ा सा ग्रोथ है बट अगेन नीचे है,
बट जब हमने उसके साथ कुरकुरीन चित्र कॉम्प्लेक्स यूज किया तो उसका एक्साइटेशन देखिए, जो जीरो पे था वो डायरेक्टली 0.2 के अंदर आया है, मतलब कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी के अंदर हुआ है। नेक्स्ट बीटा कैरोटीन की अगर हम देखिए, इसका एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, जो नॉर्मल 100 होना चाहिए था वो हुआ है 160, मतलब 1.5 गुना से भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसके अंदर हुआ है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके के इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर है। इसको लेना कितना है, सुबह शाम दो बार लेना है, 1.5 ग्राम सफिशियंट है, 1 पीनट साइज, थोड़ा सा ज्यादा उससे आप लेते हैं, सुबह उतना ही शाम में उतना ही, सफिशियंट फॉर गुड हेल्थ। जितना हमने बात किया है उससे कई गुना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत कम डिस्क्राइब किया इसका। तो ये सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ नहीं, ना सिर्फ मूड, एंटायर इन तीनों चीजों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये डेफिनेटली हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करने का काम करेगा, हमारे एंटायर बॉडी को प्रिकॉशन प्रिवेंशन एंड जो डैमेज हुए उसे ओवरकम करने का बहुत बेस्ट सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट के जरिए किया जा सकता है। वेल सेट जो हमने अभी बताया, 99% इसका सक्सेस रेशो हमें अब तक मिला है। यूएसपीज क्या क्या है इसकी, तो यूनिक फॉर्मुलेशन है, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फॉर्मुलेशन है। हर इंग्रेडिएंट का मात्रा कितनी होनी चाहिए और वो मात्रा यूज, वो इंग्रेडिएंट यूज करने के साथ साथ अगर दूसरा कौन सा इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं तो उसका अल्टरेशन क्या होता है वो भी इसका देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो हिबार इज मोर पावर हो, हिबार इज मोर पावर प्रीमियम हो, या हिबार इज पैन एक्टिव हो, ये तीनों प्रोडक्ट वेल रिसर्च एंड यूनिक फॉर्मुलेशन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट वन इज माइक्रोक्लसिंग प्रॉपर्टीज के अंदर यूज के, ये इन टर्म्स ऑफ भस्मास, मतलब आपके शरीर के अंदर सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन करने की जो पॉसिबिलिटीज है, कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम इस एक फॉर्मुलेशन से किया जाता है। नेक्स्ट वन इज 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से ही ये बना है। तो टाइम को अगर हम देखें तो टाइम हुआ है बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने आज जो सेवा का मौका दिया, और साथ ही इस प्रेजेंटेशन को आपने यहाँ पे अच्छी तरह देखा, सुना और समझा, इसके लिए मैं सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ एंड थैंक यू सो मच। ये जर्नी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए है, हेल्थ को और ज्यादा स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी हम प्रमोट करते हैं। अनलॉक योर इनर पोटेंशियल, इग्नाइट योर इनर डायनाम, एंड लास्ट वन, अनलेश योर पोटेंशियल विथ नथिंग बट द हिबारा इज मोर पावर प्रीमियम। सो थैंक यू सो मच, और ओवर टू यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच।